दोस्तों, आजकल हमारे सारे काम हमारे मोबाइल से ही होता है। हम अपने सारे कामों के लिए अपने मोबाइल पर ही निर्भर होते हैं और आपके मोबाइल में ही आपके फ़ोटोज़, पर्सनल फ़ोटोज़, वीडियोस, बैंक अकाउंट डिटेल्स, वो सभी आपके फ़ोन में ही होते हैं। पर क्या होगा अगर कोई आपके फ़ोन को हैक करे और आपके पर्सनल डाटाज़ को, आपके अकाउंट डिटेल्स को यूज़ करे, उसे मिसयूज़ करे और आपको पता भी ना हो कि आपका डाटा किसी और के पास जा चुका है या वो आपके डाटा को देख सकता है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे साइंस बताऊंगा जिसकी वजह से आप पता कर सकते हैं कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले है बैटरी ड्रेनेज। दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में नॉर्मल यूज से ज़्यादा ही बैटरी ख़त्म हो रहा है, मतलब आप ये नोटिस कर रहे हो कि आपकी बैटरी जो है वो पहले से थोड़ा कम बैकअप दे रही है, तो हो सकता है कि आपका फ़ोन हैक हो चुका हो, क्योंकि जो हैकर होता है वो बैकग्राउंड में भी आपका डाटा यूज़ करते हैं जिसकी वजह से आपकी बैटरी कम हो जाती है। दूसरा पॉइंट है डाटा। अगर आपके फ़ोन का डाटा जो है वो जल्दी ख़त्म हो रहा है, आप उसे इतना यूज़ नहीं कर रहे हो जितना कि वो ख़त्म हो रहा है, तो ये भी हो सकता है कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है और हैकर आपके फ़ोन को रिमोटली एक्सेस कर रहा है। तीसरा पॉइंट है फ़ोन का हैंग होना या एप्लीकेशन का क्रैश होना। अगर आपके पास कोई पुराना फ़ोन है जिसमें रैम भी कम हो, तो उसमें एप्लीकेशन क्रैश होना या हैंग होना आम बात होती है थोड़ा। लेकिन अगर आपके पास कोई स्मार्टफोन है, कोई नया फ़ोन है जिसका रैम रोम भी अच्छा हो, फिर भी वो हैंग हो रहा है या उसका एप्लीकेशन क्रैश हो रहा है, तो हो सकता है कि आपका जो फ़ोन है वो हैक हो चुका हो। चौथा पॉइंट है अननोन फ़ोटो या अननोन ऐप्स। अगर आप कभी अपना मोबाइल चला रहे हो और आपकी गैलरी में कोई ऐसा फ़ोटो है जो कि आपको याद नहीं कि आपने कब लिया था, या आपके फ़ोन में कोई ऐसा ऐप्स हो जिसे आपने इंस्टॉल ही नहीं किया हो, तो हो सकता है कि आपका फ़ोन हैक हो चुका है और वो हैकर आपके फ़ोन में बाहर से ही अपना ऐप्स इंस्टॉल कर रहा है। फिफ्थ पॉइंट है ओवर हीटिंग। अगर आप अपने फ़ोन को यूज़ नहीं कर रहे हो और फिर भी वो ओवर हीट हो रहा है, तो हो सकता है कि आपका फ़ोन हैक हो, क्योंकि हैकर्स आपके फ़ोन को बैकग्राउंड में यूज़ करते हैं जिसकी वजह से आपका फ़ोन हीटअप होने लगता है। लेकिन कुछ केस में फ़ोन गेम खेलने पर भी हीट होता है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। तो आखिर फ़ोन हैक कैसे होता है? तो दोस्तों, अगर कोई आपको किसी अननोन नंबर से या कोई ईमेल से अगर आपको कोई लिंक भेजता है, तो उस लिंक पर कभी क्लिक ना करें। और अगर आप किसी साइट पर हो तो वहाँ पर एड्स पॉपअप होते हैं, उन पर भी क्लिक ना करें। और जो आपके फ़ोन में ऐप्स होता है वो हमेशा प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें, थर्ड पार्टी ऐप से डाउनलोड ना करें। और अगर फिर भी आपका फ़ोन हैक हो जाता है तो अपने फ़ोन को रिस्टोर करें और एक एंटीवायरस ला के रखें। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।